फिल्म की शुरुआत में हम ओजी नाम के एक डॉग को देखते हैं, जो एक घर में खुशी से रहा करता था। उस घर के ओनर एक कपल थे जिनका नाम टेड और सुजैन था, और उनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम पॉला था। वो सभी ओजी से बहुत प्यार करते थे। ओजी अपने नेबरहुड के सभी डॉग्स के साथ बहुत फैमिलियर था, पर वो सभी उस एरिया के एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हमेशा अपने एक डेंजर पेट डॉग के साथ आता था जो सभी डॉग्स को बहुत परेशान करता था, और ओजी भी उसके सामने मजबूर था। एक दिन जब वो पॉला के साथ खेल रहा होता है, तब अनजाने में उनसे गलती से उसके एक स्ट्रिक्ट नेबर का बहुत नुकसान हो जाता है, जिसका भरपाया टेड को करना पड़ता है। इस कारण से वो पॉला के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा देते हैं, पर ओजी को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो पॉला के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। इसलिए वो पॉला को इसके लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, और पॉला भी टेड और सुजैन से बचकर बाहर निकल जाती है। पर जिस दौरान वो स्केटिंग कर रही होती है, तभी वो गिर जाती है, और जैसे ही वो घर वापस आती है, तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है, पर टेड के कारण वो बच जाती है। अगले दिन टेड को एक मेल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी की तरफ से उसे और उसके फैमिली को एक महीने के लिए जापान की ट्रिप ऑफर की गई है। ये सुनकर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है, पर एम्बेसी के अनुसार उन्हें डॉग को अपने साथ ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए वो ओजी को अपने किसी फ्रेंड के घर छोड़कर जाने का प्लान करते हैं। पर उसका कोई भी दोस्त ओजी की शरारतों के कारण उसे अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वो टीवी में ब्लू क्रीक नाम के एक होटल के बारे में सुनते हैं, जो सिर्फ डॉग्स के लिए बनाया गया था, और कोई भी वहाँ अपने पेट डॉग को उसके टेम्पररी शेल्टर के लिए ले जा सकता था। ये सुनकर टेड और सुजैन ओजी को एक महीने के लिए वहीं छोड़ने का तय करते हैं, पर पॉला और ओजी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए ओजी वहाँ से भागने लगता है। पर आखिर में वो पकड़ा जाता है, और टेड और सुजैन उसे लेकर उसी होटल पहुंचते हैं, जहां वो उस होटल के ओनर रॉबिन्सन से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि उन्हें ओजी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर टेड और सुजैन उसकी बात से बहुत प्रभावित होते हैं, और पेमेंट करके ओजी को वहां छोड़कर चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद ही रॉबिन्सन अपने रियल नेचर में आ जाता है। असल में जो भी फैसिलिटी उसने टेड और सुजैन को दिखाया था, वो बस दिखावे के लिए थी, और वहाँ की असलियत कुछ और ही थी। वो ओजी को एक गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाते हैं, जिसके अंदर और भी डॉग्स थे। गाड़ी से उतरने पर ओजी देखता है वो एक बड़े से डॉग प्रिजन में आ चुका था, जिसके चारों ओर फेंस लगे थे, ताकि कोई भी डॉग एक बार वहाँ आने के बाद भाग ना सके। रॉबिन्सन ओजी को वहाँ छोड़कर वहाँ से सामान भरे कुछ बॉक्सेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओजी वहाँ से बचकर भागने की काफी कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, और वहाँ का चीफ डॉग डेकर उसे वहाँ के वार्डन के पास ले जाता है, जिसका नाम ग्रंट था, और वो प्रिजन के सभी डॉग्स पर नजर रखा करता था। ओजी उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे कहता है कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो उसे अपनी सारी कहानी बता देता है, पर ग्रंट उसके पट्टे को उससे निकाल कर अपने पास रख लेता है और उससे कहता है कि आज से उसका नाम ओजी नहीं है, और वो उसे बाकी के कैदी डॉग्स की तरह एक नंबर देता है। और फिर डेकर उसे प्रिजन में ले जाता है, जहां उसकी तरह और भी बहुत से डॉग्स थे। डेकर उसे सराफत से रहने की धमकी देकर उसे एक जेल में बंद कर जाता है। वहां ओजी को एक पार्टनर मिलता है जिसका नाम फ्रॉन्की था। वो ओजी से बहुत से सवाल करता है, जिस पर ओजी उससे कहता है कि मैं जल्द ही यहां से आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि बस एक महीने बाद ही मेरे ओनर मुझे लेने आ जाएंगे। ये सुनकर फ्रॉन्की हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ कैद सभी डॉग्स को शुरू में ऐसा ही लगता था, और जल्द ही तुम भी ये समझ जाओगे कि तुम्हारा सोचना गलत था। पर ओजी को फिर भी अपने ओनर पर भरोसा होता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तेज अलार्म अलर्ट बजते ही ओजी की नींद खुल जाती है। तभी गार्ड डॉग्स सभी डॉग्स को वहाँ से ले जाने आते हैं, जहाँ ओजी को पता चलता है वहाँ मौजूद सभी डॉग्स को लेबर के तौर पर वहाँ काम करना पड़ता है, और ओजी को भी मशीन द्वारा क्रिएटेड कलरफुल प्लेट्स को अरेंज करने का काम दिया जाता है। पर ओजी को इसका कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो सब गड़बड़ कर देता है और उसे पनिश किया जाता है। वहाँ डॉग्स को बहुत खराब सा कैट फूड दिया जाता था, जिसे उन्हें खाना पड़ता था। ओजी जब अपना खाना लेकर बैठने के लिए टेबल ढूंढ रहा होता है, तब कोई भी उसे जगह नहीं देता। तब फ्रॉन्की के कहने पर चेस्टर नाम का एक डॉग उसे अपने पास बैठा लेता है। वहीं वो माइक नाम की एक और डॉग से मिलता है, और वो सभी दोस्त बन जाते हैं। चेस्टर ओजी को समझाता है कि उसे अपने ओनर के आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ हुए इंसिडेंट्स के कारण वो हार मान चुका था। उस प्रिजन में वीटो नाम का एक डॉग रहता था, जिसकी सभी डॉग्स बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर जब ओजी वीटो की पर्सनालिटी देखता है तो हंसने लगता है। इससे वीटो को उस पर काफी गुस्सा आता है, पर जरूरी काम होने के कारण वीटो उस दिन उसे छोड़ देता है। अगली सुबह जब ओजी उठता है, तो उसे पता चलता है उसका पार्टनर फ्रॉन्की जेल से भाग गया है, इसलिए वो माइक को इस बारे में बताता है। तभी फ्रॉन्की को वापस से अंदर फेंक दिया जाता है। पूछने पर फ्रॉन्की उनसे कहता है कि उसके पर छोटे से एरर के कारण वो पकड़ा गया था, नहीं तो वो वहाँ से बच निकलने वाला था। फ्रॉन्की ने इससे पहले भी वहाँ से भागने की कई बार कोशिश की थी, पर हर बार वो किसी न किसी कारण से ग्रंट के यहाँ तो पकड़ा जाता था। तभी वहाँ एक डॉग आता है, जो ओजी से कहता है कि वीटो ने उसे बुलाया है।
और ओजी भी डरते हुए उससे मिलने जाता है, जहाँ वीटो उससे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें रनिंग बहुत पसंद होगा, जिसे सुनकर ओजी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है। लेकिन वीटो उसकी बात काटते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, और फिर वो उसे एक रेसिंग ट्रैक के पास ले जाकर अपने एक चैंपियन को दिखाता है, जिसका नाम फ्लैश था। वो कहता है कि फ्लैश एक टॉप क्लास रनर है, पर पिछली बार ये एक रेस में हार गया था, इसलिए वो अपनी सारी मोटिवेशन खो चुका है। ओजी को उसके साथ रेस करनी थी ताकि फ्लैश उसे हरा कर अपना हौसला बढ़ा सके, और ओजी को उसकी बात माननी पड़ती है। पर जब फ्लैश और ओजी के बीच रेस होती है तो ओजी अनजाने में हारने के बजाय जीत जाता है, और जब वीटो देखता है कि फ्लैश ओजी से हार गया तब वो उसे अपने चैंपियन की पोजीशन से ह्यूमिलेट करके हटा देता है, और ओजी को अपने रेसिंग चैंपियन का मेंबर बना देता है ताकि वो रेस में उसके ओपोनेंट्स को हरा सके। और इसके बदले में वो ओजी पर ये फेवर करता है कि उसे खराब सा कैट फूड के बजाय खाने में अच्छा खाना दिया जाता। ओजी उससे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है, इसलिए वीटो उसे एक दिन का समय देता है, और ओजी अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है, जहाँ चेस्टर उससे कहता है कि उसे वीटो पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार काम पूरा होने के बाद वो अपने चैंपियंस की कोई केयर नहीं करता। तभी वहाँ वीटो आता है और उससे अपना फैसला पूछता है, जिस पर ओजी उसे रिस्पेक्ट के साथ उसके लिए काम करने से मना कर देता है, पर ये बात वीटो को अच्छा नहीं लगता, और वो उससे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाइफ को आसान बना सकता हूँ, लेकिन मुझे मना करना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, जिसके बाद उसे काफी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। तभी उसे ग्रंट मिलता है और ओजी उसे वीटो की सारी बातें बता देता है, और कहता है कि जब से मैंने उसके रेसिंग चैंपियन फ्लैश को हराया है तब से ही वो चाहता है कि मैं उसके लिए उसके ओपोनेंट्स के खिलाफ रेस में भाग लूं। जिसे सुनने के बाद ग्रंट उससे कहता है कि तुम वीटो की बात मान लो, लेकिन रेस में तुम्हें जानबूझकर हारना है ताकि मेरा चैंपियन तुम्हें हरा सके। असल में ग्रंट और वीटो वहाँ के दो ओपोनेंट्स थे और वो एक दूसरे से बहुत जेलस फील करते थे, इसलिए वो अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए आपस में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करते थे, और वहाँ मौजूद डॉग्स भी या तो ग्रंट की टीम के मेंबर थे या तो वीटो के। इसलिए ग्रंट चाहता था कि ओजी वीटो की तरफ से रेस में हिस्सा ले और जानबूझकर हार कर उसे जिता दे। ग्रंट की बात सुनकर ओजी उससे कहता है कि अगर मैं रेस में हार जाऊंगा तो वीटो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो ग्रंट की बात मानने से इनकार कर देता है। पर वीटो और ग्रंट दोनों को मना करने के कारण उसे दोनों तरफ से पनिश किया जाता है और उसे खाने को भी नहीं दिया जाता है, और जब उसके दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें भी साथ में पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। ओजी को उन्हें अपने साथ ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता है, और वो कहता है कि जब उसके ऑनर उसे लेने आएंगे तब वो उन्हें भी यहाँ से छुड़ा ले जाएगा। पर वहाँ उसे पता चलता है कि एक महीने तो पहले ही बीत चुके हैं। असल में जब टेड और सुजान ओजी को लेने के लिए ब्लू क्रीक होटल पहुंचते हैं तब रॉबिन्सन उसे झूठी कहानी बता देता है कि डॉग फ्लू होने के कारण ओजी की डेथ हो गई। टेड ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर उनके पास और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी ओर ओजी हार मानकर वीटो और ग्रंट दोनों की बात मान जाता है, पर अब ओजी समझ चुका था कि अब उसके पास और कोई उपाय नहीं है। अगर वो रेस में हार जाता तो वीटो उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर वो जीत जाता तो ग्रंट उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो प्लान करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी तरह से इस जेल से भाग जाएगा। पर जेस्टर उसके प्लान से सहमत नहीं होता, पर फिर भी वो वहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। पर जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले वहाँ के ब्लूप्रिंट की जरूरत थी। तब फ्रोंकी उसे बताता है कि उन्हें ग्रंट के ऑफिस से इस जगह के ब्लूप्रिंट मिल सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें जेस्टर की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उसी के पास ग्रंट के ऑफिस की चाबी थी। फ्रोंकी किसी तरह से चेस्टर को इसके लिए मनाने में कामयाब हो जाता है, और ग्रंट की एब्सेंस में वो मौका पाकर किसी तरह से उसके ऑफिस से ब्लूप्रिंट को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद वो ब्लूप्रिंट के अनुसार अंडरग्राउंड डिगिंग करना शुरू कर देते हैं और प्लान के अनुसार काम में लग जाते हैं। और इसी तरह से दिन बीतते जाता है, और ओजी बाकी सभी को दिखावे के लिए अपनी रनिंग प्रैक्टिस जारी रखता है। आखिर में रेस कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है, और उसी दिन ओजी और उसके दोस्तों के भागने का प्लान था, पर अभी चेस्टर उनके प्लान के खिलाफ था, लेकिन क्योंकि वो उनका दोस्त था इसलिए वो उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद ग्रंट के चैंपियन लोबो और ओजी के बीच रेस की शुरुआत होती है, पर उस रेस के दौरान ही पूरे स्टेडियम की लाइट चली जाती है, और जब लाइट वापस आती है तब सभी देखते हैं ओजी और उसके दोस्त वहाँ से भाग चुके थे, इसलिए सभी उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। पर तभी वीटो को उनके वहाँ से निकलने का एक सुराग मिल जाता है। दूसरी ओर ओजी और उसके दोस्त चेस्टर को भी अपने साथ लेकर अपने प्लान के मुताबिक बॉक्स में छुपकर वहाँ से निकल आते हैं, जिस बात से रॉबिन्सन अनजान होता है। पर जैसे ही रॉबिन्सन गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है तभी तेजी से अलार्म अलर्ट बजने लगता है, और आखिर में वो पकड़े जाते हैं। ओजी के दोस्तों को पनिशमेंट के तौर पर छोटे से बंद घर में लॉक कर दिया जाता है, और ग्रंट ओजी को अपने पास बुलाता है, जहाँ वो ओजी को धोखा देने के कारण उसे कड़ी पनिशमेंट देने वाला था। पर ओजी बड़ी फुर्ती के साथ भागकर ग्रंट और डेकर को उस कमरे में लॉक कर देता है और अनाउंसमेंट रूम में जाता है, जहाँ वो सभी डॉग्स को लाउड वॉइस के साथ ये याद दिलाता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आए थे, क्योंकि सालों से यही रहने के कारण वो अपनी असलियत भूल चुके थे।
वो ग्रंट के ड्रॉवर से उन सभी के नेक कॉलर्स निकाल कर उनकी तरफ फेंकता है, जिसे देखकर उन्हें ये याद आ जाता है कि वो भी एक समय पर अपने ओनर के पालतू हुआ करते थे। वीटो को भी अपनी पहचान याद आ जाती है और वो सभी से कहता है कि ओजी सही कह रहा है, समय आ चुका है जब हम सभी को एक साथ यूनाइट होना चाहिए। पर तभी डेकर ओजी को पकड़ने आ जाता है। भागते समय ओजी देखता है जिस बंद घर में उसके दोस्त लॉक थे उसमें कैनन फायर्स के कारण आग लगनी शुरू हो चुकी थी, इसलिए ओजी भागते हुए अपने दोस्तों को बचाने जाता है। दूसरी ओर बहुत से डॉग्स ने रॉबिन्सन और उसके आदमी डोमिनिक को घेर लिया था, पर तब डोमिनिक खुद को बचाने के लिए गाड़ी में घुस जाता है और बाकी के डॉग्स रॉबिन्सन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी ओजी और उसके दोस्त डोमिनिक को गाड़ी के साथ जाते देखते हैं, इसलिए वो उसी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं और इसके बाद बाकी के डॉग्स भी वहाँ से आजाद हो जाते हैं। ओजी अपने घर जाने से पहले माइक को उसके ऑनर से मिलवा देता है, जिसे मिलकर उसका ऑनर बहुत खुश होता है। और इसी तरह से फ्रोंकी भी अपने ओनर के पास चला जाता है, और क्योंकि चेस्टर के कोई ओनर नहीं थे इसलिए ओजी उसे अपने घर ही ले जाने का तय करता है। और जब टेड सुजैन और पॉला ओजी को देखते हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ओजी उन्हें अपने नए दोस्त चेस्टर से मिलवाता है, जिसे भी वो आखिर में खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगले दिन न्यूज से ये पता चलता है कि रॉबिन्सन को एनिमल क्रुएल्टी के लिए 20 साल की सजा हो जाती है और सभी डॉग्स भी अपने अपने ओनर तक सुरक्षित पहुंचा दिए जाते हैं। और आखिर में ओजी और चेस्टर नेबरहुड के सभी डॉग्स के साथ मिलकर उस बुली न्यूज़पेपर गए और उसके डॉग को अच्छा सबक सिखा देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।